हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक कंपनी के आईपीओ और बेसिक डिटेल के बारे में। जैसा आपके सामने है, मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा आईपीओ अनाउंस किया गया है। तो आज हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में ऐसे आईपीओ इन्वेस्ट या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अनदर कंपनी या किसी अनदर आईपीओ में इन्वेस्ट या अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा, ये कंपनी है वो 2003 में 2003 में इस्टेब्लिश हुई, जिनका मेन वर्क क्या है, मैन्युफैक्चर करना फिश प्रोटीन प्रोडक्ट। जी हाँ, और इसके साथ साथ ये प्रोडक्शन और सप्लाई करती है फिश मील का, फिश ऑयल का और भी कई तरह की चीज़ों का जो कि फिश से रेडी होती है जी। और इनका जो उत्पाद है वो 10 से भी अधिक देशों में निर्यात होता है, तो वो उनकी लिस्ट दी गई है, ये आप देख सकते हो। और 2023 मार्च यानी कि पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग 385 लोग इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं जी। और बाकी ये डिटेल है, आप देख सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो कर्नाटका और भी कई स्टेट में अवेलेबल है, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका में 2 से 3 जगह और महाराष्ट्र में अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो डिटेल है वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट और वेरीफाई कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं आईपीओ पर। जी हाँ, तो आईपीओ में प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज जो फाइनल किया गया है वो 2600 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक किया गया है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 535 और मैक्सिमम है 6955, और उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 13910 और मैक्सिमम 1,94,740। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग जो दिया गया है 10 से लेकर 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया पर इक्विटी शेयर शेयर मिलते हैं तो उनका अलॉटमेंट फाइनल होगा 5 मार्च तक, ना मिलने पर रिफंड होगा 6 मार्च तक, शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 6 मार्च तक और उनकी लिस्टिंग होगी 7 मार्च तक जी। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो पहले आप प्रोस्पेक्टस चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल थिंग्स मेंशन होती हैं, उसे आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप आके देख सकते हो जो इनके प्रोडक्ट है, फिश मील, फिश ऑयल और जो फिश सोलेबल पेस्ट। जी हाँ, तो बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हो जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट दोनों का लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।